हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिनको कि आप बार बार मेरे से पूछे तो भैया काउंसलिंग में क्या कट ऑफ रहने वाला है, मींस हम कितना अपना हमारा रैंक कितना रैंक है, तो क्या हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, हमारा ये सब्जेक्ट ग्रुप हम इस कोर्स को ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में चाहिएगा, तो इन सब का सोल्यूशन इस वीडियो में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है और सभी स्टेप को आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके बताया जाएगा, और कैसे स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग कट ऑफ। तो देखो, मैंने आप जो मेरे से बार बार पूछ रहे थे, मैंने इसमें सब डाउट्स को क्लियर किया। आपके जितने भी डाउट हैं बस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके माइंड में यही है कि आप बार बार पूछो भैया मेरा इतना रैंक है, क्या मैं पार्टिसिपेट करूँ या नहीं। तो देखो, मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ। पहले तो आपको मैंने हर वीडियो में बताया और अब भी बता रहा हूँ कि आपके कुछ फैक्टर, जैसे कि 15% से 20% सीट्स इंक्रीज होने वाला फैक्टर, दूसरा कि लास्ट ईयर के कम में आपके बार स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, देन तीसरा थिंग कि आपको पता है कि आईसीआर ने अपना सेशन डिले कर दिया था। कितना लेट कर दिया था, आप देख सकते हो, 1 महीना और 26 दिन बाद आपका रैंक दिया। तो बहुत लोग एडमिशन भी ले चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपके चांसेस हैं कॉलेज मिलने के अगर आपका कम कट ऑफ है। आपको मैं एक ओवरऑल बता देता हूँ, अगर आपका इतना है तो आप पार्टिसिपेट जरूर करो, एटलीस्ट इतने तक तो करना है, उससे भी ज़्यादा फिर भी आप कर सकते हो। बट मेरा जो सजेशन है उसमें, अगर आप बिलोंग करते हो पीसीबी कैटेगरी से, तो आपको क्या करना है, पीसीबी कैटेगरी से हो और आप जनरल और ओबीसी से हो, तो आपका अगर 20,000 है या 20,000 या 22,000 तक भी मैं बता रहा हूँ अगर आपका है, तो आप पार्टिसिपेट करो, कोई ना कोई कॉलेज या कोर्स मिलने का आपको ज़रूर चांसेस है। देन अगर बात करूँ मैं पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आप हो जनरल और ओबीसी से, तो भाई 30,000 रैंक तक, 30,000 रैंक भी आपका है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और रही बात एससी एसटी यूपीएस कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी, आपका जितना भी है ना आप पार्टिसिपेट करो। मेरा आपका सबके लिए यही सजेशन है कि आपका जितना भी आप सब पार्टिसिपेट करो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि आपका पर्टिकुलर रिजर्वेशन रहता है सीट्स के लिए। सो आपको ये तो समझ आया होगा जो मैंने बताया था अभी आपको, कि आपको कितना रैंक तक आपको पार्टिसिपेट करना है। बट एससी एसटी और यूपीएस कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जितना भी है ज़रूर पार्टिसिपेट करना, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। और कोई कुछ भी बोले आपको कि आपको नहीं करना है, नहीं मिलेगा, आपको एक मौका देना है, क्योंकि आपके पास सेपरेट रिजर्वेशन रहता है, समझे ना। अब दूसरा कि जो पूछ रहे थे भैया मेरा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आप बोल रहे हो कि ये तुमको मिल जाएगा, बट बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को, बीटेक नाम सुन के तो आपके दिमाग में यही आता है ना कि केवल मैथ वाला ही करेगा। लेकिन मेरा सुनो, आपके, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपके चार सब्जेक्ट ग्रुप, जैसे कि एक तो आपका पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आपका एग्रीकल्चर वाले जो भी, जिसमें एग्रीकल्चर ऐड होता है। तो पहले सुन लीजिए, जो बायोलॉजी है जिनका, भाई जो बायोलॉजी वाले हैं स्टूडेंट वो कौन कौन से कोर्स ले सकते हैं। बायोलॉजी वाले केवल बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, आपको लग रहा है फूड और डेयरी बायोलॉजी से रिलेटेड, बट बायोलॉजी वाले इनको नहीं ले सकते, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन तीनों को नहीं ले सकते। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उन सबके लिए एलिजिबल हैं। देन एक और चीज़ कि हाँ भैया, आप बायोलॉजी वाला बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी वाले ले सकते हैं, और मैथ वाले भी इसको ले सकते हैं। अब देखिए, मैथ वाले कौन कौन सा कोर्स ले सकते हैं और कौन कौन सा कोर्स नहीं ले सकते, पहले तो मैं उन कोर्सेज को बताता हूँ जिनका पीसीएम है वो कौन सा नहीं ले सकते। पहला, उनको फिशरीज़ और फॉरेस्ट्री, मैथ वाले फिशरीज़ और फॉरेस्ट्री नहीं ले सकते। उसके बचे हुए जितने भी कोर्सेज हैं आपके, कौन कौन से कोर्सेज हैं मैं आपको बता देता हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्रीज़, फिशरीज़, सेरीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और कम्युनिटी साइंस, ये सब कोर्सेज हैं। और उसके बाद बचा हुआ एग्रीकल्चर, जिसके भी सब्जेक्ट ग्रुप में एग्रीकल्चर है तो वो केवल 4 कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। कौन कौन सा, पहला बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज। सो ध्यान रखिएगा, और वैसे भी आप जब चॉइस फिलिंग करोगे काउंसलिंग में, तो आपको जिन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो वही आपको शो होगा। देन काउंसलिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप बोल रहे भैया हमको लिखा हुआ आया कि यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, क्या ये मेरे लिए और रजिस्ट्रेशन मेरे लिए लिखा आया है या सबके लिए रैंक कार्ड में? तो मेरा बात सुनो, वो सभी के लिए आया है। अब सभी के लिए मीन्स सभी के लिए नहीं, जिनका मार्क्स 0 है और नेगेटिव है उनके लिए नहीं आया है, क्योंकि जिनका मार्क्स 0 है और नेगेटिव है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिनका 0 नहीं है, 0 से कुछ भी ज़्यादा, 1% 2% कितना भी रैंक हो उनका,
उनका 60,000 रैंक ही हो वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ आया होगा आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी। और हाँ, जिन स्टूडेंट को दिक्कत होता है काउंसलिंग करने में, वो मेरी मेंटरशिप चाहते हो कि मैं उनको गाइड करूँ, उनसे कॉल पे कांटेक्ट करूँ और उनको डायरेक्ट बताऊँ को क्या करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, तो वो जाके हमारा काउंसलिंग प्रोसेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट चॉइस फिलिंग दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा, वो प्रोसेस भी बताया जाएगा आपको कैसे करना है। आपका जब भी डाउट हो आपका नंबर भी सेव किया जाएगा, जिससे कि आप बाद में भी कॉल करो तो आपको कॉल भी अटेंड किया जाए और आपको रिप्लाई दिया जाए एज सून एज पॉसिबल। तो देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, इस पर आपको ज्वाइन करने के लिए इसका 499 रुपीज़, जो कि आई थिंक यूट्यूब में सबसे कम फी है, जिसमें कि आपका मेंटरशिप काउंसलिंग सब कुछ आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। सो ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा पेमेंट नंबर है, इस पर जो भी पेमेंट आपको सेंड करना है, और आप इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो नंबर पर ज्वाइन करने के लिए। अब जो लास्ट बचा कि भैया काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये बताइए, तो चलो अभी हम देखने वाले हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और पहली बात तो ये सुनिए बताने से पहले कि काउंसलिंग के टाइम पे, जैसे अभी आप चॉइस फिलिंग करोगे तो अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई आपको सीट अलॉट होगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। अब डॉक्यूमेंट्स कब चाहिएगा उस टाइम पे, जब आपको कोई सीट अलॉट हुआ, सीट अलॉट हुआ तो यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती, तब आपको उस यूनिवर्सिटी को आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, तो उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। और देन उसके बाद में जब फिज़िकल रिपोर्टिंग, तब अब अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुआ, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपको मिलता है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल गया, देन उसके बाद में यूनिवर्सिटी बुलाती है आपको कि इस डेट को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, तो आपके दिमाग में तो ये रहेगा कि भैया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस टाइम पर हमको यूनिवर्सिटी, तो उनको भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है उस टाइम के लिए। और अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग में ज्वाइन किए हो तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपका डेफिनेटली हेल्प किया जाएगा। और अगर किसी को वैसे यूट्यूब पे दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। चलो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देखते हैं क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर जब भी आपको सीट अलॉट होगा उसके बाद, तो देखिए इधर लिखा हुआ है ऑनलाइन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने हैं और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो देखिए यहाँ ऐसे टिक का मार्क लगा हुआ है कि मतलब ये दोनों टाइम चाहिएगा आपको। तो देखिए मैं आपको बताता चलता हूँ वन बाई वन, और इसको मैं सेंड भी कर दूंगा आपके जो भी ग्रुप में, आप टेलीग्राम में हो, व्हाट्सअप में हो, पर्सनलाइज काउंसलिंग वाले में हो, तो वहाँ भी आपको इसको मैं सेंड कर दूंगा, तो घबराए नहीं। पहले आपको देखिए प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको अगर आपका टेंथ का मार्कशीट है तो वो चलेगा, अगर आपका टेंथ का मार्कशीट है तो वो टेंथ का मार्कशीट आप रखें, वो आपको दोनों टाइम पर काम आएगा। पहला चीज़ तो आपका टेंथ का मार्कशीट हुआ, दूसरा आपका जो भी टेंथ आपने किया और ट्वेल्थ उनका आपका मार्कशीट आपका चाहिएगा, तो मार्कशीट आपका रखें टेंथ और ट्वेल्थ का। देन उसके बाद में आपका TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिस भी आपने लास्ट स्कूल से आपने पढ़ाई की है, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपने जिस भी कॉलेज से किया तो उसका लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज से अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप स्कूल वाला या उसके साथ में आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना होता है, ये दोनों टाइम चाहिएगा आपको। एडमिट कार्ड जो आपको NTA से, अगर किसी का नहीं निकल रहा है तो मेरे को कमेंट में कर सकता है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा एडमिट कार्ड के लिए, तो परेशान ना रहो। कन्फर्मेशनल पेज, अगर किसी का भी नहीं कन्फर्मेशन पेज, अब ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के टाइम पे नहीं चाहिए लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिएगा आपको, अगर किसी का ये भी नहीं निकलता है तो मैं उसका भी हेल्प कर दूंगा। देन आपको काउंसलिंग लेटर इशूड बाय एलिजिबल कैंडिडेट, तो जैसे कि अभी आपको रैंक कार्ड के साथ ही रैंक कार्ड आया था उसको इसमें आपको लगाना है क्योंकि आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए, ये फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर। देन उसके बाद में आपका है 7th नंबर पर देखिएगा अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिएगा जब आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाती है, तो ये फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, ठीक है ना। देन उसके बाद में ये देखिए प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिएगा। पासपोर्ट साइज फोटोज़ वो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था ICR का, तब जो आपने फोटोज़ उसमें जो फ़ोटो आपने दिया था वही आपको चाहिएगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। देन उसके बाद में आधार कार्ड, आपका जो भी आधार कार्ड है वो दोनों टाइम चाहिएगा आपको। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये डोमिसाइल ज़रूर बनवा लें, ये ज़रूरी है आपका, ये देखिए आपको ऑनलाइन के अपलोड भी करते टाइम भी और आपको यूनिवर्सिटी में भी चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट, अब आपका कन्फ्यूजन भैया करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, ये आपका स्कूल से मिलता है जब आपने लास्ट टाइम जिस स्कूल से पढ़े हो, और ये दोनों टाइम आपका चाहिएगा। देन उसके बाद में आपका अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से, जैसे कि SC ST UPS OBC EWS, तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए जो मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो दोनों टाइम आपको चाहिएगा। देन अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तब मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज आपको मेडिकल बनवाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका यूनिवर्सिटी में बन जाता है।
सो आई होप आपको जो बताया वो समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।